रोमांच और रहस्य घर के पीछे। गर्मी की एक शानदार दोपहरी थी, मैं कुछ देर पहले ही सोकर बाहर आई थी। मैं घर के पीछे आंगन में चली गई और अपनी जुड़वा बहन के साथ खेलने लगी। उस आंगन में हमने हर दिन की तरह ही उस दिन भी बहुत से गेम खेले। शाम के करीब 5 बजे मेरी बहन घर के अंदर बाथरूम में गई, पर मैं बाहर ही खेल रही थी। तभी मैंने पास के एक पेड़ की तरफ देखा। मुझे उस पेड़ के नीचे एक आकृति दिखी। शाम हो गई थी और कुछ अंधेरा भी होने लगा था। मैं उस आकृति को देखकर बहुत भयभीत हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए था। मैं इतनी भयभीत हो गई थी कि मुझसे हिला भी नहीं गया। तभी वो आकृति मेरे करीब आने लगी। वो जितनी करीब आ रही थी, मैं उतनी ही अधिक आतंकित हो रही थी। तभी मैंने उसको ठीक से देखा। वो एक औरत थी, करीब 6 फीट लंबी। उसकी बहुत खूबसूरत आंखें थी और मैं उन आंखों में देखती ही रह गई। वो एकदम गोरी थी, लेकिन उस औरत को देखकर मुझे कुछ अजीब सा भी लगा। वो सामान्य औरतों की तरह तो बिल्कुल नहीं थी। उस दिन के बाद मैं जब भी शाम को पीछे के आंगन में खेलती थी, वो औरत पेड़ के नीचे दिखती थी और वो मेरे पास आकर मुझसे बातें भी करती थी। शाम को जब मैं घर वापस जाने लगती थी, वो औरत मुस्कुराती थी और मेरे सर को भी हल्के से थपथपा देती थी। वो मुझे तभी मिलने आती थी जब मैं आंगन में अकेली होती थी। एक शाम को मुझे उस औरत ने मेरे गाल पर चूमकर कहा था, तुम बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह ही हो, खुश रहना, अब मैं चलती हूं। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो औरत मेरी मम्मी को कैसे जानती थी। बस उस दिन के बाद उस औरत ने मुझसे मिलने आना छोड़ दिया। 2 हफ्ते बीत गए पर वो फिर नहीं आई। मैं बहुत ही उदास हो गई और फिर एक दिन मैंने अपने मम्मी पापा को उस औरत के बारे में बता दिया। जैसे ही मेरे मम्मी डैडी ने मेरे मुंह से उस सुंदर औरत के बारे में सुना, उनके चेहरों का रंग ही उड़ गया और मेरी मम्मी तो रोने ही लगी। मेरे पापा मम्मी को उनके कंधे पर हाथ रखकर समझाने लगे। मैं हैरान थी कि उस औरत के बारे में सुनकर वो दोनों क्यों घबरा गए और मेरी मम्मी क्यों रोने लगी थी। मेरे मम्मी डैडी ने मुझे अपने कमरे में जाने का आदेश दिया। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई, पर मैं समझ नहीं पाई कि मैंने ऐसा क्या कह दिया था कि मेरी मम्मी इतनी भावुक हो गई थी। जब मैं बड़ी हो गई, 21 वर्ष की, मैंने एक दिन अपने मम्मी डैडी को बातें करते सुना। वो धीमे स्वर में बोल रहे थे, पर फिर भी मैं उनकी बातें सुन सकती थी। तब मुझे मालूम चला कि वो औरत वास्तव में मेरी नानी थी और उनकी मृत्यु उस पीछे के आंगन में उस पेड़ के नीचे ही हुई थी और मेरे मम्मी पापा को उनके भूत के आने के बारे में सब कुछ मालूम था। जब मुझे उस पेड़ के नीचे वाली औरत की असलियत मालूम चली, मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगी, क्योंकि मैं अपनी नानी यानी के उनके भूत से कितनी ही बार मिली थी बचपन में, लेकिन तब मुझे ये नहीं मालूम था कि वो मेरी नानी थी। आज भी मैं अपने घर के पीछे के आंगन में लगे हुए उस पेड़ को घंटों देखती रहती, पर अब नानी वापस नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।